हमारा टॉपिक है कि हम एग्जाम के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम सिलेबस के बारे में, पासिंग मार्क के बारे में और हाउ टू प्रिपेयर के बारे में। जितने भी लड़के डिप्लोमा इन फार्मेसी पास कर चुके हैं, जो इस साल एग्जाम देंगे सेकेंड ईयर का, या जो इस साल जस्ट पास हुए 2021-22 के सेशन में, जिनका सेकेंड ईयर था, उन्हें डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जिट एग्जाम देना है। जिसका 20-21 के सेशन में था सेकेंड ईयर या उसके पहले था, उन्हें एग्जिट एग्जाम नहीं देना है। वो बहुत साफ साफ बच गए। ये एग्जिट एग्जाम 2 साल पहले ही आने वाला था, कोरोना की वजह से ये लेट हो गया। तो जो लोग इस 2 साल में निकल गए कोरोना की वजह से, वो बच गए, आगे वाले नहीं बचेंगे। ठीक है, परेशान नहीं हुई, घबराइए नहीं यार, बहुत आसान तरीका है पास करने का, तरीका बताऊंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसके एग्जाम। देखिए, पहला जो इसका एग्जाम है दोस्तों, ये पहला एग्जाम जो इसका है नवंबर 2022 में, भारत सरकार की, अभी 18 अगस्त को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, आज 19 अगस्त यानी कल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि पहले इसका एग्जाम का डेट 30 अगस्त रखा गया था। अब इसको कमेटी ने इसका डेट बढ़ा करके 19 मतलब 19 अगस्त को कह रहा हूँ, 19 नवंबर में कर दिया है। अब ये नवंबर में कब होगा, 15 नवंबर के पहले या 15 नवंबर के बाद होगा, ये डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ये, देखिए आपके नोटिफिकेशन पे, कि यहाँ पे कैसे ये नोटिफिकेशन करके यहाँ पे सामने लिखा है कि ये एग्जिट एग्जाम जो है वो नवंबर 2022 में होल्ड किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले अगस्त में था, टाइम कम था, मुझे भी मुझे लगा मैं क्या ही पढ़ा पाऊंगा, अगस्त में एग्जाम है तो मैं छोड़ दिया था। लेकिन अब आपके पास समय है, गोल्डन चांस है, पहला एग्जिट एग्जाम है। और यह याद रखेगा, पहला एग्जिट एग्जाम बहुत आसान पेपर होगा। जैसे जैसे पेपर पढ़ता जाएगा वो और टफ होता जाएगा। जैसे कि पहले टेट का एग्जाम होता था बहुत सरल, फिर टेट और धीरे धीरे जब बीटीसी बीएड के बच्चे बढ़ते गए तो टेट का एग्जाम कठिन पे कठिन होता गया। तो अब जो शुरू के पहला, अब देखिए इसका पैटर्न बताऊंगा मैं आपको, जो शुरू के एग्जिट एग्जाम होंगे, जो ये पहला मौका है, बहुत आसान तरीका है आपको एग्जिट एग्जाम पास करने का, पेपर बहुत ईजी आएगा, लिख के लेने से पेपर बहुत ईजी आएगा। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आगे और टफ, आगे और टफ, आगे और टफ होता जाएगा। ठीक है, और जब तक आप डिप्लोमा पास करने के बाद एग्जिट एग्जाम पास करके उसका सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपका जो वो रजिस्ट्रेशन है फार्मासिस्ट का नहीं होगा। और अगर किसी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वो किसी काम का नहीं है, वो बेकार है। तो चलिए, आपको गुड लक, ऑल द बेस्ट। जो बच्चे इस साल तैयारी पेपर करने वाले हैं नवंबर 2022 में, उन सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसे। देखिए, एग्जाम पैटर्न ने पीसीआई ने रूल दिया है कि, देखिए ध्यान से, इन्होंने कुल 8 सब्जेक्ट को पूरे कलेक्टिवली बनाया, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के 8 सब्जेक्ट है। जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक और फार्मेसी, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, ये 8 सब्जेक्ट है। और बवाल क्या है, एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा लंबा कर दिया है, एक साथ सारा पेपर ले लेता तो ईजी था। इन लोगों ने क्या किया है, 3 पेपर बनाएंगे, यानी इस पूरे 8 सब्जेक्ट से 3 पेपर होंगे और तीनों पेपर 100 100 100 नंबर के होंगे। ठीक है, 100 100 नंबर के पेपर होंगे। पहले पेपर में 2 सब्जेक्ट जो बड़े सब्जेक्ट है, जहां तक मेरे ख्याल से कोलोजी और सिर्फ केमिस्ट्री ले लेंगे, ये एक अनुमान है, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है मुझे जहां तक लगता है। सेकेंड पेपर में ये कोग्नोसी और आपके दूसरे सब्जेक्ट हो गए सुटिक्स वगैरह, इसको कल इंक्लूड करेंगे। और तीसरे पेपर में ये जुरिस्प्रूडेंस को, मैनेज डीएसबीएम को, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी को, इसको इंक्लूड करेंगे। यानी 3 पेपर ये बनाएंगे, एक दिन में आपको 3 पेपर देने होंगे, या हो सकता है कि 3 दिन में आपको 3 पेपर देने हो, ये भी कुछ फिक्स नहीं है, कठिन है। 3 पेपर, तीनों पेपर 100 100 मार्क्स के होंगे, 3 3 घंटे के पेपर होंगे, और सभी पेपर में आपको 50% मार्क्स लाना है। अगर आपने 3 पेपर दिए, पहले पेपर में आपके 80 नंबर आ गए, दूसरे में 20 आ गए, तीसरे में 55 आ गए, तो अब आपको लगेगा ओवरऑल मिला के तो 150 नंबर के ऊपर है। लेकिन नहीं, तो ओवरऑल 150 नंबर नहीं चाहिए, 300 300 मार्क्स में ओवरऑल 50%, हर पेपर में आपका 50 50 50 आना कंपलसरी है, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। आप पहले पेपर में 70 पा गए, दूसरे पेपर में 80 पा गए, और तीसरे पेपर में 49 पा गए, एक नंबर से भी आप कम रह गए, आप उस एग्जाम को फेल हो जाएंगे। और अगले 6 महीने बाद एग्जाम का पैटर्न बनाया गया है कि हर साल में 2 बार पेपर कराएंगे, हर 6 महीने में पेपर होंगे, और उस 6 महीने में आपको एक एक मौके मिलते जाएंगे। जैसे कि पहले टेट का एग्जाम हर 6 महीने होता था, अब साल में होने लगा है, इसी तरह से डीपीई का एग्जाम हर 6 महीने में एक बार कराया जाएगा, और आपको साल में 2 बार मौका मिलेगा अब इस एग्जाम को पास करने का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले बार एग्जाम बहुत ईजी होगा, उसके बाद ये टफ होता चला जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या। मैंने कहा कि इसके 8 सिलेबस हैं,
फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट एंड सेकंड है, और यहाँ पे फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, डीएसबीएम है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये आपके पूरे का पूरे सिलेबस है 2 साल की मिला के। पासिंग मार्क मैंने बताया कि आपको तीनों पेपर में कम से कम 50-50-50% मार्क्स पाने हैं। आप किसी में ज्यादा पाते हैं किसी में कम पाते तो आप पास नहीं होंगे। मिनिमम 50% आपको पास करना ही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, घबराना नहीं है आपको, पेपर ईजी होगा, आप आराम से 50+ क्रॉस करेंगे, घबराना नहीं है। बस थोड़ा सा आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है, अपने सारे डिपार्टमेंट के सिलेबस को रिवाइज करना है और ढेर सारे प्रैक्टिस करना है।